वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज राखी शर्मा। तो आज टाइम हो रहा है 4:30 और अर्ली मॉर्निंग है। मेरा जीपीएस बोल रहा है क्योंकि हम जीपीएस लगा के जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी हम निकले हैं स्पेशल कहीं जगह जाने के लिए। स्पेशल जगह क्या, मैं आपको सारा रूट समझाते जाऊंगी। डार्क डार्क हो रखा है क्योंकि अभी ना मॉर्निंग में 5:30 बज रहे हैं और जीपीएस के थ्रू हम जा रहे हैं, क्योंकि जीपीएस एक चीज़ है, बड़े सारे रास्ते दिखा देता है, नए नए रास्ते। तो नए रास्ते की वजह से आज हम जा चुके हैं कई बार वहाँ, मतलब देहरादून, लेकिन हर बार ना हमें जीपीएस न्यू ही रूट दिखाता है। तो आज इतना बढ़िया रूट मिला है हमें, मेरठ एक्सप्रेस वे मिल गया है और इतनी बढ़िया, मतलब 30 किलोमीटर अराउंड से ज़्यादा का डिस्टेंस इसी हाईवे पर क्रॉस करने में कितना, मतलब गाड़ी चलाने वाले के लिए कितना बढ़िया होगा। तो चलो अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे रास्ता होता है वो दिखाती भी हूँ। जैसे देहरादून के बारे में तो आप लोग जानते हैं, उसे कहा जाता है देवभूमि। तो थोड़ा सा आज हम देवभूमि हैं वहाँ पे भी विजिट कर लेते हैं, और कहाँ जाना होगा हमें अभी हमें खुद नहीं पता, क्योंकि हमारी 1 डे की ट्रिप है और हम किसी काम से जा रहे हैं, तो मॉर्निंग जाके हमें इवनिंग तक रिटर्न भी करना है। बहुत तेज बारिश होने लगती है और गाड़ी चलाना ना बारिश के टाइम पे बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। स्पीड लिमिट है 100 और हमें चलानी पड़ रही है 60 के अराउंड। दिखाती हूँ आपको, व्यू भी दिखाती हूँ ऊपर का। मेरी बेटी सोकर के उठ गई है, गुड मॉर्निंग हो गई, बोलो गुड मॉर्निंग। तो देहरादून जाने में अब मेरा एक्चुअली सेकंड टोल पर ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। वैसे हम गोवा नहीं जा रहे हैं, मेरी बेटी को गोवा वाले बीच पर जाना है, लेकिन हम जा रहे हैं देहरादून। टोल के चार्जेस भी पे कर दिए हैं, एक्चुअली पता है वैसे ना थर्ड टोल है, लेकिन फर्स्ट हमारा फ्री था मेरठ एक्सप्रेस वे। छोटू ये चीकू हमारा मेरठ एक्सप्रेस वे जो था ना, मतलब 89 किलोमीटर की रूट दे रखी थी, तो जो कि ना मुझे लगा था कि मतलब हम लोगों को पे करना पड़ेगा, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे फ्री था। और पता है सबसे बड़ी अच्छी बात क्यों लगी है, क्यों बहुत अच्छा लगा, वैसे टोल पे करने में इतनी कोई परेशानी नहीं होती। एक्चुअली ना मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था किसी ने, तो मुझे फास्ट टैग लगवाना था, फास्ट टैग मैंने लगवाया नहीं, और वहाँ पे यार टेंशन हो गई। एक जगह देखा तो वहाँ पे कैश का सिस्टम ही नहीं था, तो वहाँ पे देखा फ्री, चलो बच गए। फिर नेक्स्ट टोल पर है, नेक्स्ट टोल पर 95 रुपीज एक तरफ का चार्जेस थे, कैश लेन में भी गए लेकिन वहाँ पर कैश था ही नहीं, फास्ट टैक्सी पेमेंट होती नहीं, तो डबल पेमेंट, और डबल पेमेंट में हमें पे करने पड़े हैं 195 रुपीज। फिर बायलकली अच्छा हुआ कि हम टेंशन फ्री आगे ड्राइव कर सके, उसके लिए हमें एक IDBI फास्ट टैग वाला मिल गया, हमने उससे ले तो लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट टोल जो आया है उसमें मतलब हमें कैश ही देना पड़ा 140 रुपीज। तो अगर आप आते हो दिल्ली से, आते हो तो दिल्ली से जनरली हम जो भी जीपीएस के थ्रू जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई टैक्स टोल टैक्स होगा। और पहला हमारा 95 रुपीज डबल पे किया, दैट वाज आवर मिस्टेक, और सेकंड 140 रुपीज है। तो ये तो टोल का हो गया, और रास्ता बहुत गाइज अच्छा है, बहुत स्मूथ है, और सबसे बेस्ट रास्ता जो लगा है मुझे मेरठ वाला लगा है, मेरठ एक्सप्रेस वे बिल्कुल जैसे ताज एक्सप्रेस वे की है ना लेन, 100 किलोमीटर की स्पीड में बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाओ, कोई टेंशन नहीं, कम से कम 4-5 लेन आराम से। बट ये यहाँ का टोल टैक्स 140 दिया तो है, लेकिन देखो 100 की स्पीड दे रखी है। बट मैं रास्ता दिखाती हूँ, डबल लेन है तो यहाँ पे ज्यादा ओवरटेक करने में बहुत परेशानी होने वाली है, तो हम बहुत ज्यादा स्पीड मतलब 100 चला लेंगे, लेकिन यह कि ओवरटेक करना मुश्किल है। और अभी ना एक्चुअली 8 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा रोड खाली है, अगर हम थोड़ा लेट आते हैं तो शायद हमें परेशानी हो सकती है। तो गाइज आपको नेक्स्ट व्यू थोड़ी देर में कराते हैं।
अराउंड 35 किलोमीटर और बचा डिस्टेंस, तो पहुंचते हैं और डिटेल आपको बाद में बताते हैं। कहाँ जाना? मेरी दादी के पास जाओ। आपकी दादी के पास जाए? आप गाड़ी दबा देगी आपको, यहाँ पे हाथ पकड़ो। सबसे ज्यादा होता है बच्चों का डर, ये भागने भी लग गई थी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? पत्ते कपड़ों को पत्ते बोलती है ना, मैंने सोचा आज इसे पत्ते ही दिला दो। गाइस हम आ गए हैं पहाड़ों में, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही है, तो हमने गाड़ी का एसी बंद कर दिया है और विंडो खोल लिया। और सबसे अच्छी बात आपको ये और बताते हैं, यहाँ पे 30 मिनट की ड्राइव है, ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं होता पहाड़ों का, लेकिन 30 मिनट की ड्राइव है जहाँ पे आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। पर इतना रास्ता कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि गोल 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 जैसे जैसे पहाड़ आते जाएंगे वैसे वैसे घूमते जाना है और देहरादून पहुँच जाना है। तेज बोलो, देहरादून पहुंच जाते हैं। बारिश आ रही है तो कोई बात नहीं, आने दो ना बारिश को। क्या परेशानी है बारिश से आपको? भाई बारिश आ गई है और गुड्डों की गाड़ी गीली हो गई है बारिश से, भाई इट्स नॉट फेयर। गल जाएगी ना बेटे? हैं? गाड़ी गल जाएगी बारिश से? ये कह रही है हाँ, मामा पूछ रहे हैं गाड़ी गल जाएगी, तो कहती है हाँ बारिश से गाड़ी गल जाती है। वैसे ये तो पहाड़ों की बारिश बड़ी हैवी होती है। अभी मेरी बेटी सोते सोते आई तो पीछे बहुत बारिश थी, दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश थी, वो मेरी बेटी को देखने को नहीं मिला बिकॉज शी वाज स्लीपिंग। देहरादून में एंट्री हो गई है दून वैली में। क्या है ये? पत्ते 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 पत्ते। बाद में कट जाएंगे फिर से एक और राइड। ये मार्केट है यहाँ की। ले भाई घंटा घर बना ले भाई। क्या बनाना गाड़ी के बना रहे हो? जो ना तेरे लेफ्ट साइड में रहेंगे ये पलटन बाजार। पलटन जाता है ये देखो ना, घंटा घर अगर ऐसे रुके हो गाड़ी भी दिखाई घंटा घर है पलटन मार्केट है। रोको आगे बनानी है भाई, ना ना जाना ना सीधे नहीं, यहाँ रोकने की नहीं, आगे साइड में रोकने की।
रोज उसी के पास दिया। नहीं दरवाजा तो देख ही नहीं पाए। यहाँ भी तो और बच्चे भी तो थे उसके साथ ही थे। उसने ले लिया हम चीकू देवे तो मन थी मन तेरी लोगों को पता क्या लगता है यार और लेके आ।